When are we getting to see you in Bollywood? तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे क्या क्या आर्यन बनर्जी फेम हाउस पे रोस्ट लाने वाले हैं, आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, वही वो भुवन बाम ट्रिगर्ड इंसान एंड हर्ष बेनीवाल पे रिएक्ट किए, और फ्यूचर में वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी लाने वाले हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, एंड और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप पूरे YouTube कम्युनिटी से अपडेटेड रहो। एनीवेज, चलते हमारी पहली स्टोरी पे जो कि मुंबई कर निखिल के बारे में। तो जैसे कि आपको बताया, इंस्टाग्राम फेसबुक एंड और भी सोशल मीडियाज पे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स तो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आजकल तो स्कैमर्स वेरीफाइड अकाउंट से यूजर्स को फ्रॉड लिंक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वेरीफाइड के चक्कर में बहुत सारे यूजर्स उन फ्रॉड लिंक्स पे क्लिक कर देते, जिसके कारण उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस स्कैमर के पास पहुंच जाती है। तो ऐसा ही एक मैसेज वेरीफाइड अकाउंट से मुंबई कर निखिल के पास भी आया। इसी पे रिएक्ट करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, जहां वो क्या गए आप खुद ही देख सकते हो। तो काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे एक अलग तरीके का ही स्कैम चल रहा है। कोई तो वेरीफाइड अकाउंट से, या फिर इंस्टाग्राम के कोई तो वेरीफाइड अकाउंट से आपको मैसेज आएगा कि आपने कोई कॉपीराइट वायोलेशन किया, क्लिक हियर क्लिक दैट, ये करो वो करो, बिल्कुल मत करना। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, ऐसा मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं वेरीफाइड अकाउंट से। और इसका ये जो अकाउंट है, इसका नाम तीसरी बार चेंज हुआ है, पता नहीं इन लोगों को वेरीफिकेशन कहां से मिल जाती है। तो डरना वरना नहीं बिल्कुल भी। इसके अलावा क्या होता है कि इंस्टाग्राम के वेरीफाइड अकाउंट हैक हो जाते हैं। मान लो कि मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा और बाद में मेरे अकाउंट से आप लोग में से किसी वेरीफाइड अकाउंट को मैसेज जाएगा, ऐसा मुझे भी हुआ है। तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत करना, ऐसा बहुत बड़ा चीज है। इसके अलावा क्या होता है कि इंस्टाग्राम के वेरीफाइड अकाउंट हैक हो जाते हैं। मान लो कि मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा और बाद में मेरे अकाउंट से आप लोग में से किसी वेरीफाइड अकाउंट को मैसेज जाएगा, ऐसा मुझे भी हुआ है। तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत करना, ऐसा बहुत बड़ा चीज है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, देन कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल भी मत बताना। ऑल्सो मुंबई कर निखिल कूली नंबर वन मूवी को जो हेट मिल रहा है उस पे भी रिएक्ट किए, तो आप खुद देख सकते हो वो क्या कहे। अभी आपने देखा होगा कूली नंबर वन की बहुत बुराई चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने तो देखी भी नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी मूवी, लेकिन एक ही वो देखी जो अच्छी मूवी है उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। ऐसी कोई तक मूवी आई थी डेविड धवन की, वरुण धवन की, मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो जिसने 200 करोड़ कमाए थे, कोई सलमान खान की मूवी का रीमेक था। अब तो ऐसी मूवी 200 करोड़ कमाएगी, जब लोग जाके देखेंगे तो ऐसी मूवी तो बनेगी ना। ये तो चलो ठीक है, अभी क्या OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हो रही है, अभी ये थिएटर में रिलीज होती होती तो लोग बुराई भी करते, 200-300 करोड़ कमा के भी देते। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्रिंज हमारी कंट्री में चलता है। अब टीवी खोल के देखो, उसमें बहुत सारे क्रिंजी शो है, कोई तो और एक आया, अरे पोस्टर लगे उसके बैंडर में, वो शो के क्रिंज शो है एकदम। तो क्रिंज जब तक चलेगा, नोट कमाएगा, तब तक ये सब क्रिंजी मूवी आएगी। नोट कमाना बंद हो जाएगा, ये सब चीज भी बंद हो जाएगा, समझ जाओ अभी। तो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी पे जो कि लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो बहुत टाइम से लक्ष्य चौधरी अपने न्यू सेटअप पे काम कर रहे थे एंड अब वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो इसी पे लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज भी पोस्ट किए, जहां वो इस सेटअप का एक छोटा सा टूर भी दिए, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। फक मैन, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं तुम लोगों को यहाँ पे सेटअप व्लॉग बनाने में, सेटअप टूर समझ लो या व्लॉग समझ लो, जो इस फ्लैट में सामान लगाते हुए हम लोग बना रहे हैं। मैन 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 इसके बाद वो एक और स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा, आज एक छोटा सा सपना पूरा हो गया, एक महीने से फ्लैट देखने में स्टूडियो बनाने में लगे हुए थे, फाइनली आज हुआ डन सब। इतना एक्साइटेड था कि सारी साफ सफाई भी खुद ही कर दी, एक ईयर एंड वीडियो व्लॉग वीडियो सब बना रहा हूँ, साथ साथ फ्लैट और सेटअप के अराउंड ही रहेगा व्लॉग भी। और हाँ, अब यही सबको बुला के ऑफलाइन कोलैब्स हुआ करेंगे। सो या लेट्स सी फर्स्ट कोलैब लक्ष्य चौधरी का किसके साथ आने वाला है। अगर आपको कोई आइडिया है देन कॉमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल भी मत बताना। तो अब चल नेक्स्ट स्टोरी पे जो कि आशीष चंचला के बारे में। तो आशीष चंचलानी आज अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे एंड वही वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए, तो मैं आपको उस लाइव स्ट्रीमिंग के इंपॉर्टेंट क्लिप्स बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ने उनसे भुवन बाम के साथ कोलैब करने के लिए कहा, इसी पे वो रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप खुद देख सकते हो। बीबी के साथ एक वीडियो बना दो यार, भुवन जी जो है अभी ढिंडोरा की शूटिंग कर रहे है, मुझसे मिल नहीं रहे है, और हरामी को मैसेज करके बोलो कि आशीष चंचलानी से मिल, क्योंकि उसको टाइम नहीं है, बट ठीक है बेचारा काम कर रहा है यार, ठीक है अपना बॉम्बे आया तो यार। देन उनसे किसी ने ट्रिगर्ड इंसान के बारे में पूछा, तो इसी पे रिएक्ट करते हैं वो कुछ ये कहे। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ट्रिगर्ड इंसान, बहुत ही प्यारा लड़का है, वेरी हम्बल गुड गाय, अमेजिंग गाय, डूइंग ग्रेट ऑन हिज चैनल। और इसी लाइव स्ट्रीमिंग में वो हर्ष बेनीवाल पे भी रिएक्ट किए, प्यार पे प्यार देते जा रही है, मेरी फटके हाथ में आ गई है, क्योंकि अब हम आगे क्या करेंगे, हम क्या करें सालों, मतलब हम आगे आपकी एक्सपेक्टेशंस पर कैसे खड़े उतरेंगे, मतलब आप समझ रहे हो ना। एंड दैट वॉज माई रेफरेंस टू हर्ष बेनीवाल,
अमेजिंग, अर्श भी बहुत अच्छा कर रहा है यार, सब कितना कितना एपिक कंटेंट बना रहे हैं यार, मतलब ऐसा देश में इतना मजा आ रहा है ना सबको। देन उनको किसी ने बॉलीवुड में आने को पूछा, तो इसी पे रिएक्ट करते हुए वो कुछ ये कहे, व्हेन आर वी गेटिंग टू सी यू इन बॉलीवुड, होपफुली मैं अपना सरनेम चेंज करवा रहा हूँ, मे बी कपूर हो गया तो मे बी आई विल गेट सम रोल, लेट्स सी। भाई मैं आपका ऑल्सो वो एक बहुत बड़े सरप्राइज के बारे में बात किए, तो आप खुद सुन सकते हो वो क्या कहे। गाइज एक सरप्राइज है मेरे पास आप लोगों के लिए, मेन चैनल पे नहीं लेकिन ऑफकोर्स साइड चैनल पे ही कुछ आने वाला है कुछ ही दिनों में, उम्मीद है आपको अच्छा लगे, एक्सपेरिमेंट है, मजा आएगा, मस्त है, टाइम पास है। देन बाद में वो एक स्टोरी पोस्ट करते हुए सरप्राइज को रिवील भी कर दिए, तो आप खुद देख सकते हो वो क्या सरप्राइज था। गाइज तो साल की एक आखिरी वीडियो आ रही है एसीवी टीम की तरफ से, लेकिन कुणाल छाबरिया के चैनल पे ये वीडियो हम लोग ने दिल से लिखी, आपको बहुत मजा आएगा, इट्स लाइक अ रीकैप ऑफ 2020। तब तक आप लोग एक काम करो, स्टोरी को स्वाइप करो और कुणाल का चैनल सब्सक्राइब करो, कल वीडियो आ रही है। तो अब चल रहे स्टोरी पे जो कि है क्यारे मिनाटी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि एल्विश यादव फेम हाउस पे रोश लाने वाले हैं, एंड नाउ क्यारे मिनाटी भी फेम हाउस पे रोश ला सकते हैं, बिकॉज इसी पे रिएक्ट करते हुए वो अपने ट्विटर अकाउंट पे कहे ये फेम हाउस क्या है, एंड उसी का रिप्लाई करते हुए आशीष चंचलानी का है तुम्हारा नया वीडियो का टॉपिक, तो मतलब शायद क्यारे मिनाटी फेम हाउस पे रोश ला सकते हैं, एंड एट दी एंड आपके क्या थॉट्स हैं इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल भी मत बताना। मैं सुबह शाम रात को दिन मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर, पता है मैंने क्या बोला, चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, दोस्त बोला मुझको चाहिए थोड़ा सा।